दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर ट्रेन के नीचे आने से एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह शख्स चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन थी जिसमें यह शख्स चढ़ने की कोशिश कर रहा था। आगे आने वाले छठ महोत्सव को देखते हुए दिल्ली स्टेशन से दिल्ली से बड़ी तादाद में लोग बिहार जाते हैं इस त्योहार को मनाने के लिए। इसके चलते रेलवे ने भी प्लेटफॉर्म टिकट बंद कर दिए जिससे प्लेटफॉर्म पर ज्यादा भीड़ ना हो, लेकिन बताया जा रहा है कि भीड़ बहुत हो गई थी जिसके चलते ये सारी बातें हुई। मोहम्मद अफसर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद, और क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? राजीव, सबसे बड़ी बात ये कि जो भीड़ थी बहुत ज्यादा थी, और आज सुबह से नहीं कहें बल्कि कल से, आज दोपहर की ट्रेन पकड़ने के लिए कल शाम से लोगों ने लाइनें लगा रखी थी, क्योंकि जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल पाया था उन लोगों को जनरल बोगी में घुसने की जगह चाहिए थी, पैर रखने तक की जगह नहीं थी, लेकिन लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह से कंपार्टमेंट में एंटर कर जाए। और जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई लोगों में एक हड़कंप सा मच गया कि जैसे किसी भी तरीके से अंदर दाखिल हो जाए, और इसी हड़कंप में एक शख्स का पैर फिसल गया और जो दो ट्रेन बोगीज के बीच में जो जगह होती है वहां गिर गया। और जब ट्रेन चलने का टाइम था ठीक उसी वक्त यह हादसा हुआ और उसी वक्त उसकी ट्रेन से कटकर मौत हुई है। राजीव, मोहम्मद, रेलवे प्रशासन पीआरओ रेलवे का क्या कहना है इस मुद्दे पर? आप अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी तो उनका बिल्कुल साफ साफ यही कहना था कि हमने पूरी कोशिश कर रखी है कि जब भी ट्रेन आ रही हो तो ट्रेन से लोगों की दूरी बनाए रखें, लेकिन जब ट्रेन अट जाती है, ट्रेन के दरवाजे खुल जाते हैं, तो लोग बहुत तेजी से दाखिल होते हैं और उस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन जब ट्रेन चलने को हो रही थी तो उस वक्त भी लोग जैसे टूट पड़ रहे थे ट्रेन पर, और उसी हादसा हुआ है। बार बार अपील कर रहे हैं कि लोग इस तरीके से जल्दीबाजी ना करें, पहले अपनी हिफाजत करें और उसके बाद ट्रेन में दाखिल होने की कोशिश करें, लेकिन सभी लोग जाना बिल्कुल प्रायोरिटी है और छठ पूजा के अवसर पर हर साल भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इस साल ट्रेनें थोड़ी कम है इस वजह से भीड़ और ज्यादा हो रही है, जो भी ट्रेनें आ रही है उसमें जगह नहीं मिल रही, तो लोग बार बार बिल्कुल बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है रेलवे स्टेशन पर। जी 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 मोहम्मद, बहुत शुक्रिया मोहम्मद इस सारी जानकारी के लिए। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह हादसा हुआ है, प्रशासन कोशिश कर रहा है कि सारी चीजों को दुरुस्त किया जा सके। वक्त एक छोटे से